वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक शेयर में, जहाँ पे शेयर में गिरावट हमें देखने मिल रहा है 12% से भी ऊपर का। अभी के टाइम में जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, अभी जस्ट यहाँ पे कह सकते हो आधे घंटे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। फिलहाल हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या वजह निकल के आ रहा है कि शेयर में इतना बड़ा, मतलब कह सकते हो कि गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला और गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। और वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एक एक करके सारी चीज़ें हम देख लेंगे कि गिरावट का वजह क्या निकल के आते हुए दिख रहा है। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आरबीएल बैंक की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 12% से ऊपर का गिरावट नज़र आ रहा है, पिछले 1 महीने में 16% से ऊपर का गिरावट है, और पिछले 6 महीने के 30% से ऊपर का गिरावट यहाँ पे आप देखेंगे, 30.57% गिरावट। केवल 2024 में शेयर में 37% की गिरावट है, पिछले 1 साल में देखेंगे 22%, और पिछले 5 ईयर में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस होते हुए हमें दिखा है Q2 का, तो Q2 का जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है, कहीं ना कहीं वही सबसे बड़ा कारण यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है हमें गिरावट का। बिकॉज अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूज़ को भी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आरबीएल बैंक शेयर लाइकली टू रिमेन इन फोकस Q2 PAT डिक्लाइन 24% ईयर ऑन ईयर में आप देखेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे रिमेन इन फोकस टूडे द बैंक रिपोर्टेड द Q2 रिजल्ट ऑफ FY25 ऑन सैटरडे वेयर इन द इट आप देखेंगे रिपोर्टेड 24% फॉल इन इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा यहाँ पे क्या फॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3,496 से देखेंगे इंक्रीज होकर 3,531 हुआ। पिछले ईयर इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे रेवेन्यू, तो वो भी इंक्रीज होते हुए हमें दिखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे आते हुए दिखा, तो 372 से इंक्रीज, मतलब यहाँ पे 372 से डिक्रीज होकर 223 हमें दिखने को मिला। पिछले ईयर इसी क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 294 से 223 हुआ है। मतलब पिछले क्वार्टर से और पिछले ईयर इसी क्वार्टर से, मतलब दोनों से अगर आप कंपेयर करेंगे, या फिर पिछले लगातार 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो सभी से गिरावट हमें नज़र आया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस बार जो सितंबर यानी Q2 का जो रिजल्ट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह है कि शेयर में बड़ा फॉल हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस जो हुआ है वो काफ़ी, मतलब कह सकते हो उतना कोई बड़ा रिजल्ट में कह सकते हो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है, ग्रोथ देखने को मिला ही नहीं है, बड़ा की क्या बात है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि इतना बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पे और ईयर बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे। तो यही कारण है सबसे बड़ा दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो गिरावट का। आगे बढ़ेंगे और वीडियो में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरबीएल बैंक से रिलेटेड अगर देखें यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे MACD इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो एकदम से कह सकते हो ऊपर के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, एक बुलिश मतलब बियरिश क्रॉसओवर हमें थोड़ा सा देखने को मिला था यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा था, अलग की बात है। बट एकदम से यहाँ से एकदम गैप डाउन जब ओपनिंग हुआ है तो एकदम से आप कह सकते हो कि कितना नीचे आते हुए दिख गया है। अब देखिए परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहता है आने वाले टाइम में, वो अब देखने लायक होगा। और फिलहाल अभी के टाइम में दोस्तों आपका क्या व्यू है स्टॉक को लेके, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी और भी कुछ यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो आरबीएल बैंक शेयर प्राइस डाउन 13% और जो भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो और भी यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे एक करके चाहे तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी तो आप देख सकते हो कि 13% जो भी कह सकते हो 12% से ऊपर का गिरावट हमें देखने को मिला। और गिरावट का वजह क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वजह में ये भी निकल के आते हुए दिख रहा है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि शेयर का जो परफॉर्मेंस है इस बार Q2 का वो हमें काफ़ी डाउन देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं वही बड़ी वजह निकल के आते हुए दिख रहा है गिरावट का। अब देखिए इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कुछ बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।